झलक दिखला जा के मंच पर एक बार फिर से लगी है रूबीना दिलैक को चोट। वेल, रूबीना दिलैक एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो कि किसी भी शो में जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हैं, और उनका एक रूल है कि उनका जो कंपटीशन है वो किसी और से नहीं है, खुद से। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करती हैं, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी में हो, चाहे बिग बॉस में हमने देखा हो, या फिर अब हम झलक दिखला जा सीज़न 10 में उनको देख रहे हो। दिन पर दिन वो परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। पिछली बार भी वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर चोट आई थी और उन्होंने वीडियो शेयर किया था, और इस बार भी उनको चोट आई है। उन्होंने वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा है, अब तो आदत सी हो गई है चोट खाने की, हंसने वाले इमोजीज बनाए। वीडियो आप देखिए उनको कितना दर्द है। एक बार में निकलेगा, आप फिंगर को वो कर दे रहो ना। कितना बचा है? आप उसको ना चेक काम मत करो, फिंगर हो गया तो तुमको पकड़ लो, विशाल को पकड़ लो। ये शो और क्या क्या लेगा मुझसे, मेरा जबड़ा, मेरा नाखून। तो देखा आपने, रूबीना दिलैक कह रही है कि ये शो मुझसे क्या क्या लेगा। पहले भी वो गिर गई थी जहां पर उन्हें चोट लगी थी, और अब यहाँ पर उनका जो नाखून है ना वो पूरा टूट गया है। सोचिए कितना पेन होता है, भले वो एक नाखून हमारा ज़रा सा जो स्क्रैच होता है उसमें इतना दर्द होता है, और पूरा का पूरा नाखून वो जड़ से निकल गया है। वो परफॉर्म कर रही थी जिसकी वजह से उनका वो नाखून पूरा जड़ से निकल गया है। तो कहीं ना कहीं रूबीना दिलैक काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हुई नज़र आ रही है झलक दिखला जा में। आई होप उनकी ये मेहनत सफल हुई। तो दोस्तों, क्या लगता है कि इस बार विनर बनने के किसके हाई चांसेस आपको लग रहे हैं? थैंक यू।